वेलकम गाइज, आज फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल पीसी सेटअप वर्ल्ड और JPS Enterprises के स्टोर पे। आज जो है ना, सारे कंपोनेंट हटा दिए गए, जिससे थोड़ा सा कम से कम आपको पहले बिल्ड समझ में ना आए कि क्या चीज़ बना दी इंटेल या AMD। नहीं तो इतने ज़्यादा AMD की फॉलोइंग बढ़ गई है कि इंटेल को सब लोगों ने गरीब समझ लिया, जबकि 12 जनरेशन से इंटेल ने अपने को बहुत ही प्रमोट किया है। अगर कहिए तो पहले से स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है और जे बिल्ट भी अपना जो है इंटेल पे ही है, 12900KF पे। अब इसके अंदर स्पेक्स कौन कौन से यूज़ किए गए, सबसे पहले तो ये जो कैबिनेट है मेरी हाइट के बराबरी में ये भी आ जा रही है। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितनी बड़ी कैबिनेट है, फुल टावर की कैबिनेट है और आसूस की टफ सीरीज है T501। अब ये सारे ऑप्शन आपको देखिए कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। फ्रंट पे RGB 3 फैन मिल रहे हैं जो आपको दिख रहे होंगे सामने, कुछ जनाई दे रहे हैं 3 फैन फ्रंट पे RGB के। अभी विंडो इंस्टॉलेशन हो रहा तो उसके बाद आपको इसके कलर करेक्शंस और सारे ऑप्शंस भी दिखाते हैं। अच्छी चीज़ क्या की गई है, कैबिनेट को पिक करने के लिए ऊपर मतलब कम से कम 10 किलो की कैबिनेट हो गई पूरी। इस टाइम SMPS ग्राफिक कार्ड सब कुछ मिला लीजिए तो कैबिनेट का इंडिविजुअल वेट जो है कम से कम मुझे लग रहा है 5-7 किलो होगा और 5-7 किलो के कंपोनेंट पड़ चुके हैं तो 15 किलो के करीब करीब है। आप कैरी कर सकते हो, इसको घटा बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो, एकदम टेप वाला चिपकाने का मेथड है। यहाँ से पिक करिए, उठाइए और लेके चल दीजिए। और केबल मैनेजर के लिए अगर स्पेस देखना चाहते हैं तो कुछ आगे रखा तो नहीं, ये देखिए ये आप स्पेस देख सकते हो कि करीब करीब इतनी उंगली पूरी चली जा रही है। तो आप केबल मैनेजर तो इसमें बहुत खुशी से मोटी केबल किसी को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही शानदार केबल के लिए स्पेस दिया गया है, 2 साटा SSD के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, 2 साटा हार्ड ड्राइव्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप SSD को प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो कैबिनेट की अपनी खासियत हो गई। 360 का लिक्विड कूलर भी आपको प्लेस करने के लिए इसमें ऑप्शन मिलता है। एक इसमें बड़ी ही ब्रांडेड चीज़ की गई है जो आपको देख के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, इन्होंने रीसेट का बटन हटा दिया है। 3.0 के 2 पोर्ट दिए, ऑडियो पोर्ट दिए और रीसेट का पोर्ट क्लोज कर दिया, सिर्फ पावर स्विच दिया हुआ है। अब इसकी कॉन्फिग पे बात कर लेते हैं। ये तो हुई कैबिनेट, जो ऑनलाइन हम लोग देखने बैठे तो बड़े ही अजीब गरीब रेट पे थी और ढूंढते ये काफ़ी अच्छे रेट पे तब आ पाई जब इसका सारा रेट कंपनी से निचोड़ के ले लिया गया, तो करीब 12,500 रुपये तक की रेंज में ये कैबिनेट आ गई थी। लेकिन कई जगह इसका उलटफेर चल रहा था तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि उलटफेर क्या चल रहा था, कहीं पर कम था, कहीं पर ज़्यादा था, किसी जगह बहुत ज़्यादा था, तो ये क्या हो रहा था, किसको कितना सपोर्ट मिला कितना नहीं मिला, उसके बिहाव पे निर्धारित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसके अंदर कंपोनेंट कौन से यूज़ किए गए हैं। इसमें DDR4 रैमें यूज़ की गई हैं। DDR4 रैमें आपको दिख रही होंगी, D30 रैम यूज़ हो रही है। ए डेटा की D30 3200 MHz की 4 स्टिक यूज़ की गई है, मतलब 64 GB रैम का यूज़ किया गया है। 1 TB की WD ब्लैक यूज़ की गई है, जिसका प्लेसमेंट इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर वाले प्लेस पर है। और जो ग्राफिक कार्ड यूज किया गया है उसकी वजह से मशीन सबसे ज्यादा डिले हुई। ये मशीन जो है करीब करीब आप ये मान के चलिए 15 दिन पहले इसका ऑर्डर आ गया था, लेकिन ग्राफिक कार्ड के कारण डिले थी। 3080 GB का ये गेमिंग OC कार्ड है, आप देख रहे होगे 10 GB का कार्ड है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कोई इशू नहीं है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिले हुआ।
i9-12900KF प्रोसेसर, गीगाबाइट का ऑरस Z690EX मदरबोर्ड है जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में है। थ्री सिक्सटी का ऊपर लिक्विड कूलर यूज़ किया गया है जिसमें 1200 सॉकेट का ब्रैकेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, और 850 वाट की जो इसमें SMPS यूज़ की जा रही है वो एनटेक की है। तो इस तरीके से ये जो बिल्ट है वो बहुत ही खतरनाक जानदार और शानदार हुआ है। NVMe का प्लेसमेंट अगर कहिए तो इसमें WD की ब्लैक SN850 7000 Mbps वाली इसमें यूज़ हुई है। 4TB की हार्ड ड्राइव WD की ब्लू यूज़ हुई है। अगर इस पूरे सिस्टम की बिल्डिंग कॉस्ट को कहा जाए तो आप कुछ गेस कर सकते हो कि क्या आई होगी। इसको देखने समझने बूझने के बाद आप गेस करो कितना आया होगा इसका बिल्ड कॉस्ट। कुछ अंदाज़ा? कुछ नहीं। मैं बताता हूँ इसकी बिल्डिंग कॉस्ट जो है वो 280 है। सिर्फ CPU की कॉस्टिंग जो बैठी है वो 280 है। 280 में इतना जानदार शानदार CPU आखिर ये लिया किसके लिए जा रहा है वो मैं बताता हूँ। ये एनिमेशन सेंटर है उसके लिए ये लिया जा रहा है। एनिमेशन सेंटर का नाम है शिव नारायण एनिमेशन स्टूडियो OPC प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली इसके ओनर जो है उन्होंने जब इस पे काम स्टार्ट किया था इस तरीके की मशीनों पे, और ये कम से कम 10 साल पुराने अपने कस्टमर हैं, और इन्होंने जब इस पे काम स्टार्ट किया था तो इनके छोटे छोटे वीडियो जो थे वो डिज्नी वर्ल्ड पे प्रमोट होते थे, और आज से 10 साल पहले ही इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से कुछ अर्निंग भी स्टार्ट कर ली थी। ये अर्निंग जो थी वो आज इनको धीमे धीमे एक कंपनी इन्होंने फॉर्म कर ली, और वहाँ पे इस तरीके के इनके पास कम से कम 8 CPU हैं ऑलरेडी। तो ये हर साल 2 से 4 सिस्टम को इंक्रीज करते रहते हैं जैसा इनका बजट अलाउड करता है। तो कोरोना की वजह से सभी को दिक्कत आई, इनको भी दिक्कत आई, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था तो कोई परचेजिंग डेस्कटॉप की ऐसी नहीं हुई। लेकिन आज के टाइम पे जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो गई तो ये इनका पहला बिल्ट है। इस साल में आप कम से कम मान के चलिए 2 से 3 बिल्ट और निकल के आएंगे, और कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है कि पहले ही मतलब USA से ऑर्डर लेके आदमी बैठा हुआ है और इस पे और ज़्यादा वर्क के काम करना है, वो इंटेल के अलावा उसने आज तक कभी बिल्ट लिया ही नहीं। मेरे पास 2 इस तरीके के कस्टमर्स हैं जो अपने रेगुलर हैं और एनिमेशन का वर्क करते हैं, और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर उनके माया 3D है, ऑटोकैड, इस तरीके के रहते हैं, और उन्होंने कभी भी MD को प्रेफर किया ही नहीं। चाहे आप जो कर लीजिए, जितना समझा लीजिए, वो पूरे सेटिस्फाइड अगर हैं तो सिर्फ इंटेल पर, और ये वही चैन है। अब इस बिल्ट को देखने के बाद अगर आपको इसमें कोई कमी लग रही हो, RGB से इनका कोई मतलब नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो कभी भी RGB पे काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं। काम मीन्स 3200 FSB की रैम है, 64GB यूज़ की जा रही है, 1TB की NVMe यूज़ की जा रही है, 7000 MB/s रीड राइट स्पीड है, 4TB की हार्ड ड्राइव है, 850 वाट SMPS है, 12900KF प्रोसेसर है जिसको आज के टाइम पे कंपैरिजन किया जाता है 5950X के इक्विवेलेंट है, 16 कोर 24 थ्रेड का प्रोसेसर है। ये सारे स्पेक्स देखने के बाद आपको बिल्ट कैसा लग रहा, कोई कमी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे अच्छा और कुछ किया नहीं जा सकता प्रोफेशनल आदमी के लिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। इंट्रो पार्ट में आज टाइम नहीं मिला तो इंट्रो पार्ट को हम लोग छोटा छोटा कट पीस में ही आपको शो करेंगे। लास्ट आउट्रो के लिए मैं अवेलेबल हो पाया तो मैंने कहा कम से कम वीडियो
में कुछ कंटेंट्स आप लोगों को मिलते रहे, जिससे कुछ, चलो हम लोग इंटेल को ही प्रमोट कर लेते हैं। सब कहते हैं ना इंटेल इंटेल इंटेल, तो ठीक है, जब तक जो जो बिल्ट आते रहेंगे वो सब कुछ दिखेंगे, इंटेल AMD जो आएगा वो सब कुछ देखने को मिलेगा चैनल पे, आप बस बने रहो। थैंक यू गाइज।